ट्रैक्टर भी है डायरेक्ट इराक से इंपोर्ट करते हैं, समझे मंगरू? ए मंगरू अब क्या करवा मंगरू बोलते मान जाऊंगा चलोगे? नहीं वो आएंगे आएंगे, नैनीताल चलूंगा। हाँ तो वहाँ से फ्लाइट से आ जाना था, हम कहीं भी जाए वहाँ तक तो उत्तराखंड तक तो चलो ठाकुर जा। देखो आज बेसमेंट में नहीं जा रहा हूँ मैं, आज बाहर सोसाइटी के बाहर गाड़ी पार्क करिए। कौन सी गाड़ी है? ये वाले आज क्रेटा है, क्योंकि थार भाई ले गए शुभम भाई, तो हमको क्रेटा। बाकी चप्पर कर चप्पर, इतनी खतरनाक गर्मी है ना भाई, दो सेकंड घर के बाहर निकलो ना पसीना पसीना स्टार्ट हो जाता है ना, हो गया पसीना पसीना। चश्मा नहीं लिया मैंने अपनी कार से, कार वो ले गए बट अंदर चश्मा रह गया था। देखिए यहाँ पे का है चश्मा, ये रहा चश्मा इधर पड़ा था। ये क्या बात है, तो ब्लू पहना है शर्ट और सामने चश्मा भी ब्लू मिला है ना, मस्त लग रहा है ना। हाँ तो अभी निकला हूँ ऑफिस और एक बात आपको बता दूँ कि थोड़े टाइम में एक जो पेंडिंग ट्रिप है हमारी लंबी लंबी ट्रिप, मतलब उत्तर दक्षिण वाली ट्रिप, मतलब एक प्लेस इधर है तो एक प्लेस उधर है ऐसी, तो ऐसे प्लान 90% फाइनल है, बस अभी हमको डेट डिसाइड करनी है कि कब निकलना है, तो आज या कल में वो डिसाइड कर लेंगे। और धीरे 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 लोग भी फाइनल हो रहे हैं, चार लोग फाइनल है, बाकी के दो तीन और लोग, क्योंकि दो कार लेके जाने की इस बार इच्छा है, क्योंकि लॉन्ग रूट में जाएंगे दो कार हो गए और छः से सात जन लोग हो गए, छः या सात जन हो गए तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इस तरह से है प्लानिंग, चार फाइनल है, दो लोग या तीन लोग को करना है, है ना, मज़ा आएगा इस बार तो। चलो भाई अभी ऑफिस से निकले हैं और कार को गर्मी की वजह से बेसमेंट में पार्क किया, बहुत गर्मी है, ऑफिस से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा था, पर क्या है एक काम पेंडिंग है तीन दिनों से, आयुर्वेदिक स्टोर पे जाना है कुछ मेडिसिन लेने के लिए। बाकी ये देखो ये बेचारी तो ऐसे ही पड़ी है, इसको ही घुमा घुमा कर रहा है, कुछ नहीं तेरा भी दिन आएगा और तेरा भी दिन आएगा तो डर का ही रहे बे। चलो अरे इसकी तो बात ही कुछ अलग है, श्रीनगर जाना है पर उसका लोकेशन डालना पड़ेगा और ये एंड्रॉइडर में चालू में तो करेगा नहीं, तो अभी इसको वापस से खोलता हूँ और लोकेशन लगाता हूँ फिर आपको बताता हूँ। अरे ये पहाड़ों की चढ़ाई है, ये लगा दिया लोकेशन जीवा आयुर्वेदिक, हाँ जीवा आयुर्वेदा में जा रहे हैं, क्योंकि अहमदाबाद में आई थिंक एक ही स्टोर है जीवा आयुर्वेदिक का, तो अब तक ऑनलाइन मंगवाता था बट ऑनलाइन ज़्यादा अमाउंट हो तो ऑनलाइन में कम सस्ता पड़ता है, बट अभी थोड़ी कम आइटम है तो फिर रूबरू जाके लेके आते हैं, इस बहाने शहर भी हो जाएगी, रोज न रोज कहीं ना कहीं निकलने की जो आदत है ना हमको, है काम नहीं होता है तो भी काम निकल देते हैं, क्यों? क्योंकि ये गाड़ी गाड़ी में बैठने का मजा है, ये गाड़ी चलाने का मजा है, समझे समझे कि नहीं बबुआ? ओ मंगरू अब क्या करोगे, पेट्रोल के कुएं है ना वहाँ हमारे शोरूम के नीचे, इराक में भी है इधर भी है, डायरेक्ट इराक से इम्पोर्ट करते है, समझे मंगरू? ए मंगरू अब क्या करवा मंगरू पहुंच गए जीवा क्लिनिक, सेफ पार्किंग मिल गई, वैसे तो नो पार्किंग है बट ठीक है, अंदर की तरफ सोसाइटी है तो फिर यहाँ ज़्यादा कुछ रश नहीं रहेगा ट्रैफिक का। तो ये रही ऊपर ये ग्रीन वाली जीवा आयुर्वेदिक, चलो चलते हैं वहाँ पे ऊपर।
देख रहे हो लोग क्या कर रहे हैं, थूक थूक के लाल वाइट दीवार लाल कर दी। लो ले लिया, फेस क्रीम ली और एलोवेरा जेल ली, है ना, फेस क्रीम और एलोवेरा जेल। एक मिनट, अभी गर्मी बहुत है, फेस क्रीम तो चाहिए ना, शक्ल अच्छी हो या ना, फेस क्रीम तो चाहिए ना, लगान तो पड़ेगी ना होगा। तो ये ले लिया सामान, बस अभी चलो वापस चलते हैं। चलो इतना ज़्यादा टाइम तो लगा नहीं, 2 मिनट 5 मिनट ही लगा, और भाई ने कितना अटका के रखा है, देख रहे हो, हैं, एकदम हैवी ड्राइवर है, हैं, एकदम हैवी ड्राइवर है। चलो मैं थोड़ा बाहर निकाल दूँ ना भाई, उसके बाद बैठो। चलो ये चालू करने से पहले सबसे पहले ये वाला ऑटो ऑफ वाला, ये ऑटो ऑफ वाला वो मैं बंद कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये घड़ी घड़ी बंद हो जाता है ना, घड़ी घड़ी बंद, ट्रैफिक में जरा सा स्टॉप करो ना फिर बंद हो जाता है। आ जाओ भाई, बैठ जाओ। अरे कहाँ गए चाचा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं बता रहा था कि अपना उत्तराखंड वाला ट्रिप, उसमें समझो 4 लोग आ गए हैं और 2 गाड़ी ले जाने का है ना, दो दो सही है ना, तो इसके लिए हमको कम से कम 7-6 या 7 लोग तो चाहिए, है ना। तो हम पहले उत्तराखंड जाएंगे और उसकी ऑपोजिट साइड यूपी, यूपी वाला है प्रोग्राम, तो उत्तराखंड कहा और यूपी कहा, है ना, पर जाना तो भले 8 से 10 दिन लग जाए पर जाना तो दोनों जगह पे है। सबसे पहले उत्तराखंड जाएंगे या यूपी जाएंगे? पहले उत्तराखंड, पहले उत्तराखंड जाएंगे ना, हाँ तो पहले उत्तराखंड जाएंगे उसके बाद यूपी जाएंगे, और 2 गाड़ी में तो आपको पता ही है कौन सी जाएगी, एक तो ये जाएगी और एक क्रेटा जाए, तो इसके लिए 6 इंसान चाहिए, क्योंकि ये वाली गाड़ी में ऐसा करेंगे 2 जन रहेंगे, पीछे सामान, पीछे सामान आ जाएगा तो इतना जगह अपने को मिल जाएगी, तो ऐसा है। अब खाली डेट डिसाइड करनी है, मैं बोल रहा था 24, और आप क्या बोल रहे हो? मई फर्स्ट, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन है 24 को जाए या मई को जाए, तो वो तो आने वाले दिनों में फाइनल हो जाएगा, बट जाना तो है ही, देखते हैं आगे और दूसरे 2 जन कौन आते हैं। चलोगे? नहीं, वो आएंगे आएंगे, नैनीताल चलूंगा से, फ्लाइट से आ जाना था कहीं भी, वहाँ तक तो उत्तराखंड तक तो चलो ठाकुर साहब, राजपूत की जुबान, राजाओं के पुत्र राजपूत, ठाकुर साहब चलो मिलते हैं फिर, ओके प्रोग्राम फाइनल हो तो बताना ले जाएंगे। ये भाई साहब फोटो ले रहे हैं, उन्होंने बोला कि रुको जरा पीछे से फोटो ले लेते हैं, फॉलोइंग बढ़ गया। हाँ भाई, थैंक यू भाई। हाँ भाई, अरे हमारे सब्सक्राइबर मिल गए थे वो सब्सक्राइबर नहीं थे, उनको बोला भैया साइड में गाड़ी खड़ी करके फोटो ले लो, ऐसे रोड पे चालू गाड़ी पे फोटो मत लो, ले रहे थे, थोड़ा रिस्की होता है ना। हाँ वो रिस्की होता है, पर सब्सक्राइबर नहीं थे, उन्होंने एक्चुअली थार देखी ना, तो उन्होंने थार के साथ एक सेल्फी लेते है, पर वो गलत कर रहे थे, वो चालू गाड़ी में ले रहे थे ना, इसके लिए मैंने बोला थोड़ा सही नहीं है, साइड में कर दो, बाकी कालूपुर एरिया है, रुकने जैसा है नहीं, कोई बात नहीं, ले लिया फोटो। ये पहुंच गए वापस ऑफिस पे, अभी वापस से काम पे लग जाएंगे। कौन आया है? हाँ ये तो रौनक भाई बैठे, ये रौनक भाई सेठ फाइनेंसर, फाइनेंसर फाइनेंसर किम छू, मजा वा વેકેશન પડે છે કે લોકડાઉન ચાલે કસોલી જા તો અત્યારે ભગવાને દયા દે તો સારું ચાલે બધું સારું ચાલે છે બોલ આઈએ હું ભી ભાઈ આજ કા દિન બહોત કામ વાલા રહા વહાં સે મણિનગર સે આને કે બાદ વિડિયો બનાઈ નહીં પાયા ક્યુંકિ કામ ઇતના સારા પેન્ડિંગ થા વો કામ નિપટાયા ક્યુંકિ આને વાલે થોડે દિનો મે હમારા જૈસે મેને આપકો બતાયા રોડ ટ્રિપ સ્ટાર્ટ હોને વાલા હૈ
तो उससे पहले जो पेंडिंग काम है और जो आने वाला काम है वो एडवांस में करना पड़ेगा। तो ये था, अभी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पूरा डिटेल में बताऊंगा मैं अभी किस तरह से जा रहे हैं, कौन कौन जा रहे हैं। फाइनल तो हो गए हैं, मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा कितने लोग जा रहे हैं और किस तरह से जाएंगे और रूट कौन सा है। तो चलो गाइस, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन सी यू, सायोनारा, और कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना।